अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन क्लास थर्ड मैथमेटिक्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है या जिस जो वीडियो है तो ये कल की वीडियो की रिलेटेड ही है, जो कल का भी हमारा यही लेसन था, फन विद नंबर्स। तो कल हमने यानी नंबर्स को रिवाइज किया, थ्री डिजिट नंबर्स, टू डिजिट नंबर्स जो थे। और जो आपको कल होमवर्क दिया था तो आई होप कि आपने वो अच्छे से किया होगा और समझा होगा। तो आज हम जो नंबर कार्ड गेम है तो वो देखेंगे, और जब आप भी वैसे बनाएंगे तो आप भी खूब एंजॉय करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए आपने टेक्स्ट बुक भी निकालें या और ध्यान से देखें आप इस वीडियो को। तो चलो चलते हैं हम नंबर कार्ड गेम की तरफ। अपनी टेक्स्ट बुक का पेज 26 है, ठीक है, जिसमें आप ये देख रहे हैं। तो ये यानी जो नाइट है यानी रात का एक मंजर है दिख रहा है, ये स्टार्स हैं यानी तारे बनाए हैं, ठीक है ना। और ये कौन है, ये मून है यानी जिसे हम चांद कहते हैं, ठीक है ना। और ये तारे हैं, और ये स्काई है यानी आसमान है, और ये नाइट है। तो इसमें क्या कहता है ये, हेलो एवरीबॉडी, चांद कह रहा है, आई एम चंदा मामा, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स विच ट्विंकल इन द स्काई, यस यू आर राइट, माई फ्रेंड्स आर स्टार्स। तो ये कह रहा है मैं चंदा मामू हूँ, तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो ट्विंकल करते हैं, है ना। और हाँ आप बिल्कुल राइट हो, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कौन हैं, वो स्टार्स हैं, ठीक है ना। कौन कह रहा है, चंदा मामू कह रहा है। वन डे All of them came to my home. एक दिन क्या हुआ कि सारे मेरे फ्रेंड मेरे होम यानी होम एक क्या है होम यानी मेरे घर आ गए। I started counting to see how many friends had come. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज गिन लूँ कि मेरे कितने दोस्त मेरे घर आज आए हैं। But my friends were too many. लेकिन क्या मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। बच्चों कभी आपने तारों भरी रात को देखा है, आसमान पे बहुत से तारे होते हैं जो उछलते जैसे कूदते बुझते, है ना, रोशन होते टमटमाते, है ना, एक अजीब मंजर होता है ना। कभी हम काउंट उन्हें कर सकते हैं, ज़रा सोचो, बहुत ज़्यादा थे, कह रहे चंदा मामा। सो I remember this dear, so to remember their numbers, I did something like this. अब मैं उन्हें किस तरह गिनता तो ये मेरे लिए मुश्किल था, तो मैंने ऐसा किया। तो कैसा किया तो देखते हैं चंदा मामू ने क्या किया। हाँ बच्चों, तो क्या होता है, मून मामा काउंट्स हिज स्टारी फ्रेंड्स। तो जो चंदा मामू था तो उसने स्टारी फ्रेंड्स को गिनना शुरू किया। आई काउंट वन स्टार एंड किप्ट वन कार्ड इन माई पॉकेट, वन फॉर वन स्टार, यानी कहा मैंने एक स्टार को जैसे गिनना, तो मैंने इस टाइप का एक कार्ड बनाया जिसमें वन लिखा था और उसको अपने पॉकेट में अपने जेब में रखा। तो यहाँ से आप समझो यानी आप भी एक ऐसा कार्ड बनाओ, आप भी ऐसे कार्ड्स बनाओ छोटे छोटे, यानी आपके पास है ना कोई भी पुराना है ना गत्ता है या कापी है उसके है ना वर्क हैं, है ना, आप उनको काट के यानी ऐसे कैंची से खुद बनाएं या अपने बहन भाइयों को कहें, खुद कोशिश करें, खुद आप ऐसे इस तरह आपके जो माइंड है वो क्रिएटिव माइंड बन जाएगा। तो ठीक है ना, ऐसे करेंगे हम, ऐसे एक ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन ये वन है। कहा मैंने क्या किया,
तो वन फॉर वन स्टार, वन इस तरह का कार्ड मैंने एक स्टार के लिए रखा, तो ऐसे ये कितने हो गए, ये ऐसे दो कार्ड हो गए फॉर टू स्टार, जब दो स्टार आए तो मैंने उनके लिए इतने रखे। व्हेन आई हैड टेन वन कार्ड्स, तो मैं जब मेरे पास ऐसे ऐसे कितने कार्ड्स हो गए, टेन हो गए, ठीक है ना, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, जब ऐसे ऐसे हो गए, आई चेंज्ड इट विद दिस कार्ड, तो मैंने इनको चेंज किया किस कार्ड से, ऐसे कार्ड से, ऐसा कार्ड मैंने बनाया है ना, स्क्वायर किस्म का है ना, चार कोनों वाला, चार चकोर और उसके बीच में लिखा टेन, यानी उसका मतलब ये एक कार्ड इन ऐसे ऐसे दस कार्ड्स के बराबर है, तो ठीक है ना, इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, ये टेन किसके बराबर है, इस एक टेन के, ठीक है ना। जिस तरह अगर आपके पास एक रुपए के दस सिक्के होंगे है ना, तो वो तो यानी दस कॉइन होंगे अलग अलग से, तो वो बराबर होता है दस रुपए का एक नोट हो है ना, होता है जो दस रुपए का, उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। बट माय फ्रेंड, क्या कह रहा है चंदा मामू, बट माय फ्रेंड्स कीप्ट कमिंग, सो आई हैड टू काउंट मोर स्टार्स, माय पॉकेट्स वर गेटिंग फुल, सो व्हेन आई हैड टेन कार्ड्स लाइक दिस आई चेंज्ड इट विद 100 कार्ड, मैंने कहा लेकिन मेरे फ्रेंड्स आते गए, मैं गिनता गया, अब मेरी जो पॉकेट थी, मेरा जो जेब था वो तो भरने लगा, तो जब ऐसे ऐसे मेरे पास ऐसे ऐसे कितने कार्ड आ गए, 10 कार्ड आ गए ऐसे ऐसे, ठीक है ना, 10 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है ना, तो मैंने इसको रिप्लेस किया, इसको चेंज किया ऐसे कार्ड से, ऐसा गोल कार्ड बनाया, उसके बीच में लिखा 100, उसमें मतलब यानी ऐसे ऐसे 10 कार्ड किसके बराबर है, 100 के, देखो 10 और 10 20 हाँ 30 शाबाश 40 50 60 70 80 90 और 100, आइए ये समझ आपको, यानी जब ऐसे ऐसे 10 कार्ड आ गए तो ये किसके बराबर हो गए, इसके बराबर 10 के, तो ऐसा बना दिया, जब ऐसे ऐसे 10 कार्ड आ गए तो किसके बराबर हो गए, ऐसे 100 के, तो ठीक है। तो क्या कहा, बट आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, आई हैव सो मैनी मैनी फ्रेंड्स दैट माई पॉकेट्स कीप्ट गेटिंग फुल, जस्ट सी हाउ मैनी कार्ड्स आई हैड, लेकिन मेरे इतने ज़्यादा दोस्त थे, इतने ज़्यादा दोस्त हैं कि वो आते गए, मेरी पॉकेट्स फुल होती गई, जो चलो हम देखें कि कितने कार्ड मेरे पास थे, तो चलो हम भी देखते हैं चंदा मामू के फ्रेंड्स को, तो अब क्या, ऑल राइट एवरीबॉडी इन अ लाइन वी विल प्ले अ गेम, हाँ सब एक लाइन में हो जाओ, चंदा मामू कहते हैं हम गेम खेलेंगे, विच कार्ड्स विल आई हैव इन माई पॉकेट इफ आई हैव काउंट अप टू, आप देखो कौन कौन से कैसे कैसे कार्ड मेरी पॉकेट में हैं, अगर हम उन्हें काउंट करेंगे तो कैसे करते हैं, ठीक है ना, हम भी इसके साथ काउंट करें, ठीक, देखो ये क्या है 19 में से, यानी ये कितने कितने कार्ड हैं, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे है ना, वो तो 9 और 10 और 9, ठीक है ना, 19, तो ऐसे ऐसे पहले 1 है ना, देखो ऐसे 1 के कितने इसने लिए 9 कार्ड, और 10 का कितना लिए 1 कार्ड, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है ना, ऐसे इसने क्या 201 है ये लिखा, ठीक है ना, 200 और 1, ठीक है ना, पहले 200 इसमें है, यानी 100 कितने हैं 2, इसने बनाए 100 के 2 कार्ड इसने लाए, ठीक है ना, और साथ में कितने 1 है 200 100 200 और ये कितना 1 201, ठीक है ना, ऐसे ही हमारे पास ये जिस तरह है यहाँ, ठीक है ना, अब हम देखेंगे जो हमारे करने का है, ये कितना है, हाँ 21 है ना, 1, तो हम क्या 20 में कितने कार्ड आएंगे 10 के 10 20 साथ में कितना 1 21,
ठीक है, ऐसे फिर 95, शाबाश। हाँ आप खुद भी करते जाएं साथ में, तब तक जब तक मैं इसको अरेज कर लूँ। यह फिर क्या 95 है ये वाला, ठीक है ना। 90 में कितने आएंगे, है ना, 10 कितने कार्ड्स आएंगे, 10, हाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, हो गया ना 90, साथ में कितना है 5। तो ऐसे से कितने कार्ड बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, ठीक है ना। ये इसको छोड़, 95, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95। तो ठीक है ना, ऐसे ही आप, ये है 260, 300, 306, आप इनको भी ऐसे ही करिए, ठीक है ना। ऐसे कार्ड बनाइए और इसके साथ फिर अपने, है ना, सिबलिंग्स के साथ या अपने फ्रेंड के साथ ऐसे ही गेम खेलिए, ठीक है ना, कितना मज़ा आएगा ना। हाँ तो आप ये खुद कीजिएगा, है ना। फिर लास्ट पे खुद करके फिर लास्ट पे इसका आंसर यहाँ देखिएगा, ठीक है ना। जिस तरह ये हैं 10, 20, 21, ये क्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, ठीक है। फिर ऐसे ही है 200, 100, 200, 200, 160, 100, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 260, ठीक है ना, 300, 100, 200, 300, ठीक है ना। ऐसे ही बाकी भी है, तो ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो आप इसको खूब एंजॉय करेंगे और आपको ये नंबर कार्ड या प्लेस वैल्यू नंबर्स की ये अच्छे से समझ आ जाएगी, तो ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और देखते हैं तब तक आपने क्या किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।